खबर सिटी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं ताज़ा समाचार। आज कोरोना जैसी महामारी के समय लक्ष्य सोसाइटी फॉर सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एनजीओ ने आज टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के सर गंगाराम हॉस्पिटल साइट पर वहां के एम्प्लाइज और इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों को सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी द्वारा सुझाया गया आर्सेनिक एल्बम 30 की गोली वितरित की और इसके सेवन करने का तरीका बताया। इस अवसर पर लक्ष्य संस्था के प्रेम शर्मा और श्रीमती सरिता ने सभी को कोरोना से बचाव के लिए और भी सावधानियां बताते हुए कहा कि होम्योपैथी दवाई के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसे 3 दिन तक खाली पेट लेने से कारगर लाभ मिलता है। लक्ष्य संस्था और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने मिलकर गुरुवार को 150 से 200 एम्प्लाइज और साइट पर काम करने वाले मजदूरों को होम्योपैथिक की दवा वितरित की गई। इस अवसर पर लक्ष्य संस्था के प्रेम शर्मा और सरिता ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में हम जन सेवा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। टाटा के प्रोजेक्ट मैनेजर ने लक्ष्य संस्था के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रेम शर्मा को संस्था के सामाजिक कार्यों के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया। संस्था की प्रेसिडेंट प्रतिमा वर्मा ने कहा कि हम आगे भी समाज और पर्यावरण के लिए काम करते रहेंगे। न्यूज़ फॉर सिटी के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट।